हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक से होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज है संडे, तो संडे वाले दिन होता है हमारा स्पेशली ब्रेकफास्ट होता है। कोशिश होती है कि कुछ डिफरेंट बनाया जाए घर में, क्योंकि डेली क्या होते हैं कि हमारे परांठे वगैरह ही चलते हैं। तो आज संडे है, थोड़ा टाइम भी होता है हमारे पास, वरना सुबह जल्दी जल्दी में क्या होता है कि हम शॉर्टकट तरीका अपना देते हैं। तो आज हम बना रहे हैं टिक्कियाँ, तो जो कि एक अलग सा बन जाता है। घर में कई दिनों से मकैन की टिक्कियाँ पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा कि चल आज इसी को बना देते हैं, क्योंकि फ्रिज भी इतना फुल हो जाता है और फ्रीजर में कई चीज़ें ऐसी होती हमने रखी कि जगह नहीं होती है उसमें। जैसे मटर भी हमने फ्रोजन होते हैं मटर, तो उसको भी क्या होता है। तो ये बन गई है हमारी टिक्कियाँ। तो टिक्कियाँ देखने में भी बहुत सुंदर लग रही है, तो मैं कह रही थी कि मैं तलते जाऊँगी, आप लोग खाते जाइएगा साथ साथ में, क्योंकि गर्म गर्म ये चीज़ें अच्छी लगती है। तो आज सुबह जल्दी उठ गए थे, हमारे घर में ऐसा नहीं होता है कि छुट्टी वाला दिन है तो जी लेट उठेंगे, अपना टाइम से उठते हैं। और आज हुई थी हमारी छत की सफाई, तो जैसे हिमाचल गए तो बहुत से प्लांट्स तो हमारे सूख भी गए हैं। अगर हुआ तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, बड़ा दुख होता है क्योंकि हमने बड़े प्यार से पाले होते हैं वो। तो बस यहाँ पे हम जो ब्रेड के ऊपर सॉस वगैरह लगा रहे हैं, और सबका अपना अपना, किसी कोई चाय ले रहा है, कोई ब्रेड दूध ले रहा है। तो बस ये अलग अलग ब्रेकफास्ट होता है हमारे घर में। मुझे लगता है कि सभी के घर में ऐसी चीज़ें होती होंगी कि सबका अपना अपना टेस्ट होता है, अपनी अपनी पसंद होती है। तो बस ये हमारा ब्रेकफास्ट बन गया है, और उसके बाद चलेगी मेरी सफाई वगैरह भी घर में चलती है। तो इसके बाद मैं बनाऊंगी सब्जी। मैंने सोचा कि एक बारी सब्जी बन जाएगी ना घर में, तो ये होता है कि दिन में हमें फिर चपातियाँ ही बनानी होती है। तो यहाँ पे मैं काट रही हूँ आलू, तो आज मैं बनाऊंगी आलू बैंगन की सब्जी। बैंगन पड़े हुए थे, तो जैसे मंडे है कल, तो कल से फिर फ्रेश सब्जियाँ आ जाएगी। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं बैंगन ही बना देती हूँ, और आलू बैंगन की सब्जी होगी, साथ में दही होगा और थोड़ी दाल भी है, तो दाल भी साथ में हो जाएगी। तो एक लिक्विड हो जाता है, एक ड्राई हो जाता है। तो बस ये आलू बैंगन की सब्जी, और ये बिल्कुल सिंपल तरीके से बनती है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई तामझाम की ज़रूरत होती है, प्याज लहसुन कुछ भी नहीं होता है। तो आलू को पहले हमने फ्राई कर लिया है, और उसके बाद डाल दिए हैं बैंगन, और उसमें सिर्फ हमने हल्दी, धनिया, मिर्च और थोड़ी सी अजवाइन डाली, और फिर अमचूर इसमें डाला है। अमचूर थोड़ा सा इसमें ज़रूरी होता है। हाँ जी बोलो, क्या कर रहे हो आप? सफाई हो रही है भैया, दिवाली की सफाई। दिवाली के लिए अपने खर्चों की सफाई। पूरा गंद पड़ा हुआ यहाँ पे देखो, पूरे जो बेकार के कागज है ना वो पड़े, पता नहीं कितना कचरा भर रखा है अंदर। ऐसे ही हो गया, ऐसे ही होता है। चलो अब मैं देखती हूँ वैभव को, वैभव क्या कर रहा है अंदर। हाँ भी वैभव क्या कर रहा है, क्या कर रहे हो भाई जी? आपका व्लॉग अपलोड कर रहा था, हार्डली 54 सेकंड हो जाए फिर मम्मी का आपको गाइस नया व्लॉग मिलेगा। और हमने एक चैलेंज किया है शुरू, कि हमने 365 डेज व्लॉग डालने, और देखते हम कितना इस पे कायम रह सकते हैं। सक्सेस हो गए हैं, कोशिश अपनी पूरी रहेगी गाइस। चलो चलो फिर ब्रेकफास्ट करेंगे उसके बाद, ठीक है? हाँ जी ठीक है, बस 5 मिनट में रेडी हो जाएगा। ओके जी, टाइम 9:30 हुआ है ना? हाँ जी 9:30 बजे।
वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक से होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आपका सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो सुबह से काम वीडियो मैंने स्टार्ट कर दी थी, मैंने सोचा कि चलो मैं आपसे बात कर लेती हूँ। फ्रेश भी हो गई हूँ, नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ, क्योंकि सुबह सुबह का काम होता है, सुबह सुबह टाइम नहीं लगता नहाने वगैरह को। तो लेडीज़ को 10-11 तो बज ही जाते हैं। तो सबसे पहले आप बताइएगा कि आपका करवा चौथ का व्रत कैसे रहा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि कैसे रहा आपका करवा चौथ का व्रत। और इस बारी तो मौसम भी बहुत अच्छा था, क्योंकि बेशक अक्टूबर के महीने में ये त्यौहार आ गया है, मगर मौसम बहुत अच्छा था, ना ज़्यादा गर्मी थी ना ठंड, तो अभी है ही नहीं है। तो इसलिए थोड़ा व्रत लेना थोड़ा आसान हुआ, क्योंकि सारा दिन इसमें पानी भी नहीं पीना होता, निर्जला व्रत होता है ये। तो इस बारी अच्छा लगा, मतलब मौसम के हिसाब से। तो चलिए फिर आगे का जो कार्यक्रम है वो स्टार्ट करते हैं। वैसे तो मोस्टली काम मेरा घर का हो चुका है, तो आज मैंने सोचा है कि जो कपड़े धोए थे उसको आज मैं थोड़े से तय लगा लूँगी, और प्रेस करने हैं थोड़े से कपड़े तो वो कर लूँगी, देखती हूँ कब तक टाइम मिलता है। वैसे मुझे सामने वाले आंटी भी बुला रहे थे, तो मैं उनके पास भी थोड़ी देरी के लिए जाऊँगी। बुज़ुर्गों के साथ ना बातें करना थोड़ा सा अच्छा लगता है मुझे। पहले अम्मा जी होते थे ना यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लगता था, मतलब उनके जाने के बाद तो मतलब पूछो मत, इतना अजीब सा लगता है ना कि घर खाली खाली। अब तो थोड़े से ऐसे है कि 1-1.5 साल हो गया उनको, तो वो है उस टाइम तो बिल्कुल ऐसा लगता था कि हम पागल से हो गए हैं मतलब घर में। तो चलिए करते हैं आगे का वीडियो स्टार्ट खुशी के साथ। तो ये है हमारा इवनिंग का टाइम। तो जो कल मैंने कपड़े टाई वगैरह लगाए थे तो ये मैंने अंदर रख दिए थे। अब मैं सोच रही हूँ कि किस तरीके से मैं इसे समेटूँगी। तो यहाँ पे मैंने बोला था, मगर पीछे से आवाज़ें बहुत तेज़ आ रही थी नीचे गली में। तो ये सारे कपड़े कुछ टाई लगा दिए, प्रेस करने वाले मैंने प्रेस कर दिए हैं, और जिसको कि मैं सही ढंग से समेट सकूँ। तो आज तो टाइम कुछ ज़्यादा हो गया था शाम को, तो उसके बाद घर में कोई गेस्ट वगैरह भी आ गए, तो सोचा कि चलो इस काम को मैंने छोड़ दिया था, और फिर होता है हमारा इवनिंग का काम स्टार्ट। सोच रही थी क्या बनाऊँ, पहले तो मैंने सोचा था मटर पनीर बनाऊँ, मगर वो पोस्टपोन हो गया है थोड़ा काम, क्योंकि लेट होगी वो मैं थोड़ा सा मटर वाले चावल पुलाव बनाती हूँ आज मैं। तो बस मैंने सामने चावल भिगो दिए हैं, अभी बताती हूँ। तो अब हो गया इवनिंग का टाइम और मैं पहुंच गई हूँ किचन में। तो आज सब कह रहे थे कि सुबह से लेके थोड़ा हैवी हो गया है, जैसे सुबह ब्रेकफास्ट भी हैवी हो गया था हमारा, तो शाम को कहने लगे कि आज हम थोड़ा हल्का सा बना लेंगे ब्रेकफास्ट, तो सॉरी डिनर। तो डिनर में आज मैं बना रही हूँ पुलाव। तो पुलाव क्या होता है, जल्दी जल्दी बन भी जाता है और हल्का भी होता है ये। तो बस ये हमारा डिनर रेडी हो जाएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, और जो नए लोग जुड़े हैं ना प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कई लोग होते हैं कि हाँ देखते हैं, अपनी पसंद नापसंद तो अपनी होती है, मगर कई बार लाइक करना भूल जाते हैं, तो आप लोग लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो कल मिलते हैं आपको एक अच्छी सी वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय।